मुझसे छुपा रहे हैं वो जरूर कुछ जानते हैं। इजाजत है जनाब। आ जाइए सामसा। आपको देखकर हमेशा एक जज्बा पैदा होता है। शुक्रिया आपके आने का सामसा। हम आपको उस मलून कले में तन्हा छोड़कर चले आए, मगर आप अपनी बहादुरी से सांपों के उस कुएं से बच निकले। हम सब तो आखिरत के भी साथ ही हैं सामसा। कुफार भी आपसे दहशतज़दा हुए होंगे। तशरीफ रखिए। बल्कि कुफार इस वक्त ज्यादा परेशान होंगे जब थियुक्लिस कला वापस नहीं लौटेगा। थियुक्लिस कौन है? हमारी मौत बनकर आया था, अब हमारे कब्जे में है। मैं अच्छी तरह जानता हूं उस्मान, तुम अब्बास का खून रायगढ़ नहीं जाने दोगे। ये थियुक्लिस हमें मेरे भाई अब्बास के कातलों तक ले जाएगा। जज़ाकअल्लाह मेरे बेटे, जज़ाकअल्लाह। हमारे बहादुर पर वार करने का मतलब क्या होता है वो जान जाएंगे। इबरत का निशान बनाने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े करके नमक न छिड़का गया तो मुझे भी अर्तुरुल गाजी का फर्जंद उस्मान मत कहना। मुझे इजाजत दे मेरे आका। आओ बोरान आओ। कैरियर तो है बोरान, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस्मान साहब, थियुक्लिस भाग निकला। कैसे भागा? मैंने तुम्हें उसे अमानतन दिया था बोरान, जवाब दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी कैद से भाग गया बोरान। आखिर कैसे? क्या वहां मौजूद नहीं थे? आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसका इलाज किया, उसके बाद में शिकार के लिए जंगल में चला गया। वापस लौटा तो वो नहीं था, किसी ने उसकी रस्सी काट दी है आका और उसको वहां से फरार करा दिया। किसने? बताओ किसने? क्या मुझे इजाजत है दुंदार साहब? आ जाओ बेटा आओ। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। हाँ बताओ मुझे। उस्मान। अब क्या कर दिया उस्मान ने? उसने सूफिया के आदमियों में से एक आदमी को जिंदा पकड़ लिया है। कहाँ है वो? परेशान ना हो बाबा, वो इस वक्त महफूज जगह पर है। कोई मालूमात हासिल हुई उससे? उस्मान जब कले से फरार हुआ तो उन्होंने उसे उस्मान के ताकुब में भेजा। किसने? सूफिया ने। सूफिया? उस्मान ने थियुक्लिस पर तशद्दुद किया लेकिन अब उसकी हालत बेहतर है। अब वो काफिर कहां पर मिलेगा? वो हमारे पास है बाबा। ये मालूमात बितिनिया को एक बड़ी जंग से बचाएंगी। तुम गुंदूस को खबर कर दो। चलो। गीदड़ जाएगा तो झुंड की तरफ जाएगा। वो क्या कहा है वासे? कला। उसे अंजाम को पहुंचाना होगा, झुंड में घुस के मारना होगा। उस्मान बेटा, अभी कुफार की चालें खत्म नहीं हुई हैं। शायद तुम्हें कला बुलाने के लिए कोई चाल चली है। उस कले को ही उनकी कब्र बना के रख देंगे बापसी साहब। ऐसा जवाब देना चाहिए कि आइंदा कभी उस्मान के कब्जे से किसी को छुड़ाने की कोशिश न करें। ऐसी सख्त सजाएं दी जाए कि तारीख रकम हो जाए। शामसा, कले के शिकार का वक्त आ गया। जंगल की मखलूकात मुझसे बखूबी वाकिफ है,
वो बड़े अरसे से मेरे सामने नमूदार नहीं हुई। कला बाबरकत साबित हो गए इंशाल्लाह। आप सलामत रहें। आपने मुझे खुश और शाद कर दिया।